अरे ऐसा समस्या नीतीश कुमार पैदा कर दिया है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को बर्बाद कर दिया है। तो मैं मिसाइल नीति रात रात सपना देखा पीएम बनने का, और रात रात देख के सुबह आया कैबिनेट के बैठक लेके खत्म कर दिया। नीतीश कुमार जी 72 घंटा काफी है आपके लिए, 72 घंटा के अंदर जो मिसाइल नीति वापस नहीं आई तो हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे। और शिक्षा मंत्री होश में रहिए, अलबल बयान नहीं दीजिए, बिहार को अपमान कर रहे हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। वहाँ पे जितना शिक्षक है उसमें बिहार के 90% ऊपर शिक्षक है। आप दिल्ली के मुखर्जी नगर जाइए, वहाँ पे अब शिक्षकों में 90% शिक्षक बिहार के हैं, और बिहार हर साल यूपीएससी में टॉप करता है। अब आप कहते हैं बिहार में टैलेंट नहीं है, और आप में नौवा फेल में आपका टैलेंट दिखता है। बिहार कैबिनेट ने बिहार में शिक्षकों की भर्ती की नियमावली में कुछ बदलाव किए हैं, और उसी बदलावों के बाद से काफी अभ्यर्थियों में रोष देखने को मिला है। आप बताइए कि क्या समस्या है? समस्या, अरे ऐसा समस्या नीतीश कुमार पैदा कर दिया है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को बर्बाद कर दिया है। डोमिसाइल नीति रात रात सपना देखा पीएम बनने का, और रात रात देख के सुबह आया कैबिनेट के बैठक लेके खत्म कर दिया। नीतीश कुमार जी 72 घंटा काफी है आपके लिए, 72 घंटा के अंदर डोमिसाइल नीति वापस नहीं आई तो हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे। और शिक्षा मंत्री होश में रहिए, अलबल बयान नहीं दीजिए, बिहार को अपमान कर रहे हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। बिहार में चाणक्य, बिहार में आर्यभट्ट जो जीरो का आविष्कार किए हैं, बिहार का शिक्षक कोटा में पढ़ाते हैं, बिहार का शिक्षक मुखर्जी नगर, बिहार का अभ्यर्थी यूपीएससी में टॉपर, अयोग्य। हम लोग मेरिट में हैं, पिछले 4 साल से ST-19 और एसटेट, बीटेट, सीटेट और नेट जीआर पीएचडी किए हुए, इससे बड़ा क्या योग्यता चाहिए? शिक्षा मंत्री जी अयोग्य खुद है, उनको चारा मंत्री और पशुपालन मंत्री भेज देना चाहिए, साथ ही साथ उनको सार्वजनिक तौर से बिहार से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार की धरती को अपमान किया है। और 72 घंटा काफी है, 72 घंटा के अंदर अगर नहीं आए लोग अपने नीति पे और जो मिसाइल नीति पे, तो हम लोग पूरे पटना में पार्ट देंगे। ये हिटलर शाही नीतीश कुमार का चलेगा, हमने वोट दिया है, हम ही का पेट काट देंगे बिहार के गरीब बच्चों के, कभी नहीं, कभी नहीं। हम आप बताइए आपको क्या समस्या है इस शिक्षा नीति से? समस्या तो सब जब से ये नियमावली आया है तब से देख रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है। जैसा कि कल के कैबिनेट बैठक में आपने देखा, डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया। आखिर क्या जरूरत था? सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, सारे बिहार के गरीब के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बीच में आपने डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया। इससे बच्चे मानसिक रूप से टेंशन में आ गया है, पढ़ाई छोड़कर आज हम लोग रोड पर आ गए हैं। आखिर क्यों आ गए हैं? आखिर क्यों नीतीश सच्चाई से कर रहे हैं? क्या बिहार को आप बर्बाद करना चाहते हैं? क्या बिहार में हम लोग योग्य शिक्षक नहीं है? हम लोग सीटेट, बीटेट, एसटेट पास करके पढ़ाई कर रहे थे, आप डेली क्या करते हैं? इसमें नियमावली में चेंजिंग करते हैं, इससे बच्चे मानसिक रूप से टेंशन में आ जाते हैं। जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं वह सही से पढ़ाई नहीं कर पाता है, और यह डोमिसाइल नीति लागू होने से आज पूरे ऑल इंडिया का बच्चा यहाँ पर आएगा, बिहार में आएगा। क्या बिहार में बिहार का बच्चा कहाँ जाएगा? क्या इसको आप मजदूरों को फैक्ट्री बना देना चाहते हैं? क्या बिहार के बच्चे अच्छे स्कूल में टीचर नहीं बन सकते हैं? आपने शिक्षा मंत्री ने कल बयान दिया कि यहाँ पर योग्य शिक्षक नहीं है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार की धरती वह धरती है यहाँ से सभी बार यूपीएससी के एग्जाम में टॉप करते और सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पास करते हैं, तो फिर आपने बिहार की धरती को कैसे बोल दिया योग्य शिक्षक नहीं है? इसका मतलब यही है कि आपके अंदर खुद योग्यता नहीं है। आप सही से शिक्षा विभाग से डाटा मंगवा लीजिए। आप बोल रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट में अभ्यर्थी नहीं है, यहाँ तो इतना ज़्यादा अभ्यर्थी है, 1 लाख पद है और हम लोगों की संख्या 10 लाख है। इसलिए हम लोग शिक्षा मंत्री को बिहार सरकार से निवेदन करते हैं कि और डोमिसाइल नीति को आप जल्द से जल्द वापस लीजिए, और हम बिहार के बच्चे के साथ खलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो हम लोग जो 3 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं, अगर 3 दिन में यह वापस नहीं लेते हैं तो 3 दिन के अंदर 72 घंटे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 10 लाख अभ्यर्थियों के साथ इस पटना की धरती पर आएंगे। और जो क्रांति 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, वही क्रांति फिर बिहार की धरती शुरू होगी। जो क्रांति आज प्लासी के युद्ध में शुरू हुआ था, वह क्रांति आज फिर बिहार की धरती देखने के मिलेगा। इसलिए हम बिहार के बच्चे के साथ ऐसा खिलवाड़ आप मत कीजिए, इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या कुछ परेशानियां उन्हें हो रही है।
जी डोमिसाइल से परेशानियाँ यही है कि बिहार के जो बच्चे इस बहाली का इंतजार कर रहे थे, शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे थे, उसमें अब लाखों की संख्या में भीड़ बढ़ जाएंगे। अब बताइए जो ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए था, आप डोमिसाइल हटा के क्या साबित करना चाहते हैं? डोमिसाइल हटाने की क्या जरूरत था? ये हमें ये समझ नहीं आ रहा है। डोमिसाइल हटाने के पीछे शिक्षा मंत्री तर्क क्या दे रहे हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। अब बिहार के योग्य शिक्षक नहीं है, जाइए तो कोटा देखने, वहाँ पर जितना शिक्षक है उसमें बिहार के 90% ऊपर शिक्षक है। आप दिल्ली के मुखर्जी नगर जाइए, वहाँ पे शिक्षकों में 90% शिक्षक बिहार के हैं। और बिहार हर साल यूपीएससी में टॉप करता है। अब आप कहते हैं कि बिहार में टैलेंट नहीं है, और आप में नौवा फेल में आपको टैलेंट दिखता है? अरे आपको शर्म करना चाहिए, डूब मरने जाकर चूल्हे पर पानी में डूब मरिए शिक्षा मंत्री जी। आप खुद प्रोफेसर है, आपको यह भी मालूम नहीं है कि बिहार में अभ्यर्थियों 4 सालों से 4 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे इस बहाली का, और आप झूठ मूठ में आप सत्ता से बाहर आते हैं तो गरीबों की बात करते हैं। हम कहते हैं कि डोमिसाइल लागू करेंगे, यही तेजस्वी जी सत्ता से बाहर थे तो डोमिसाइल की बात करते थे, और जैसे ही सत्ता में आ गए तो बिहार के गरीबों के हक को छीनने के लिए ये नीति लाने लगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब पूरे भारत से फॉर्म मंगवाएंगे, तो हम अभ्यर्थियों को ऐसे 14 राज्य है जहाँ पे फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है, शिक्षा में सिर्फ शिक्षा का जो भी बहाली आता है उसमें फॉर्म नहीं भर सकते। और बिहार में देखिए ऐसे भी दूसरा कोई रोजगार है नहीं, आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज है नहीं कि हम लोग उसमें जाकर रोजगार खोजेंगे, तो ये कुछ रोजगार आता भी है उसमें ये हक मारने का काम करते हैं, अपने वादों से पलट जाते हैं। और हम लोग के सर पे, हम लोग के गर्दन पे तलवार चला करके ये चाहते हैं नौवा पास कि नौवा फेल कि ये सीएम बन जाए, और एक आदमी चाहता है ये नीतीश यादव पीएम बन जाए, तो आप सीएम पीएम बनिए हमको बहुत खुशी होगा, हम चाहेंगे कि आप बनिए, बिहार से कोई पीएम होना ही चाहिए, लेकिन आप पहले पीएम बनिएगा तब आप ऐसा बहाली लाइएगा और पूरे भारत को शामिल कीजिएगा। अरे अभी तो बिहार का मुख्यमंत्री है, अभी तो हम लोग ने आपको बनाए हैं मुख्यमंत्री, तो आप तो अभी बिहार के बारे में सोचिए, क्यों आप बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? अरे अभी से भी आपको नहीं तो आप इतने अंधे हो गए पीएम बनने के चक्कर में कि आप बिहार के अभ्यर्थियों का दर्द ही नहीं समझ। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है, और जो शिक्षक अभ्यर्थी है उन्होंने साफ तौर पर चुनौती दी है सरकार को और कहा है कि 72 घंटों के अंदर अंदर इस पूरी प्रक्रिया में बदलाव लाना होगा और इस पूरे मामले को फिर से वापस वैसा ही करना होगा जैसा कि ये था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव।